बीजेपी प्रत्याशी रमापति त्रिपाठी प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं पर भड़क गए। दरअसल जूता कांड वाले सांसद श्रेय त्रिपाठी के पिता रमापति त्रिपाठी उन्हें अपने बगल में बिठाने को लेकर कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। आपको बताएं, देवरिया लोकसभा भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद रमापति त्रिपाठी कुशीनगर के फाजल नगर विधानसभा में रोड शो कर रहे थे। रोड शो में भी बीजेपी प्रत्याशी ने आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई, और जब उनसे आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने को लेकर सवाल किया गया तो वो भड़क गए। इतना ही नहीं, जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मीडिया से कार्यकर्ताओं पर भड़काने वाला क्लिप डिलीट करने की भी बात कही। कार्यकर्ताओं से भिड़ते हुए नजर आए रमापति त्रिपाठी। देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी है रमापति राम। अपने साथ बिठाने को लेकर, अपने बेटे को बिठाने को लेकर कार्यकर्ताओं से भिड़ गए, और जब वहां पर पत्रकारों को देखा उन्होंने तो क्लिप डिलीट करने की भी बात सामने आई। और वही रोड शो के दौरान भी आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करते हुए नजर आए। नियम भी तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को डांटते हुए भी नजर आ रहे हैं। देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी हैं रमापति राम, जिनके बेटे ने कुछ दिन पहले ही जूता कांड किया था, जिसके बाद टिकट काटा गया था, और अब रमापति राम त्रिपाठी की भड़ास। मैं कहता हूं कि जब उत्सव होता है तो कौन किस तरफ से आ रहा है और उसमें सम्मिलित हो जाए, कारवा बनता जाता है। इसलिए मेरी मंशा न तो ये आचार संहिता को उल्लंघन करने की है और न हमने उसका उल्लंघन करने का प्रयास किया है। बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी संगमित्रा मौर्य गलत बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रही। पहले गुंडी बनने के बयान